नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की पांच बड़ी खबरें। चीन कोयला खदान में विस्फोट, 8 श्रमिक मरे। उत्तर प्रदेश में खड़े ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, 8 की मौत। कराची में यात्री बस पलटी, 7 मरे। मध्य प्रदेश में जेल ब्रेक की कोशिश पर गोली मारने के आदेश। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर से 30 घर नष्ट। मध्य चीन के हुनान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के दौरान 29 श्रमिक जमीन के नीचे काम कर रहे थे, जिनमें से 17 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा एक श्रमिक घायल है, जबकि 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र में सोमवार रात सड़क किनारे खड़ी खराब ट्रक से एम्बुलेंस टकरा गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक यात्री बस पलट गई और इस दुर्घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ती जेल ब्रेक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से जेल विभाग ने भागने की कोशिश करने वाले कैदियों को गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल गाजीराम मीणा ने मंगलवार को दी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बुश फायर से सप्ताहांत में करीब 30 घर और करीब 50 अन्य इमारतें नष्ट हो चुकी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।